राधे राधे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत सही हो। सो वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। आई होप आप लोग अपनी अपनी मम्मा के साथ हो और अच्छे से आज का दिन एंजॉय करो। मैंने भी तो यही सोचा था, लेकिन आप लोग देख रहे हो मौसम, बाप रे बाप, इतना ज़्यादा मतलब कि बादल लगा हुआ ना। आइए मैं आपको दिखाती हूँ, मैं तो हालत ख़राब हो गया देख करके ही। लेकिन इतना अच्छा हवा चल रहा है, देखिए क्या होता है, कितना बारिश होगा नहीं होगा पता नहीं। बट एज मम्मी को सरप्राइज देना है, सो मैं तो निकल पड़ी थी घर से क्योंकि बारिश काफ़ी कम हो गया था। आप लोग देख सकते हो मौसम इतना प्यारा था और मैं निकल गई थी। बट मेरा आज के ही दिन डिलीवरी आना था, सो वो भी आ गया था आप लोग देख सकते हो। और अभी सिर्फ 3 ही डिलीवरी आया, सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इसकी कौन कौन सा आया है आप लोग देखिए। एक तो मेरा किट आ गया था, दूसरी बात कि मेरा ये प्राइमर है, ये आप लोग देख सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको देखकर के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, वो कुछ और नहीं मतलब कि देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा मेरा फाउंडेशन और वो भी चारमसी का। मैं इतने दिन से इंस्टा पे देख रही थी, सो मैंने ऑर्डर कर ही दिया। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा मुझे, लेकिन कोई ना, इतने टाइम से मैं वेट कर रही थी, फाइनली मेरा ऑर्डर आ गया है आप लोग देखिए। और पता है मैं कितने टाइम से बाहर हूँ घर से, मम्मी को बोल करके कि मैं आ रही हूँ, लेकिन अब मैं घर नहीं जा सकती हूँ। मम्मी को मेरे को सरप्राइज देना है, सो एकदम मैं कब से वेट कर रही हूँ यहाँ पे। मैंने उसे बुलाया भी है, लेकिन अभी तक वो लोग नहीं आए हैं यहाँ पे। मैं तब से वेट किए जा रही हूँ। मुझे मम्मी के लिए जो सामान सब लेना था मैंने वो खरीद भी लिया है। अब मैं फिर से मार्केट के लिए निकली हूँ वहाँ से, क्योंकि मेरे को भूख लग गया था यार, मैंने रात से कुछ नहीं खाया हुआ था, तो मैं फिर से निकल गया। आप लोग नज़ारा देख सकते हो कितना प्यारा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया लेकिन आज। और उसके बाद मैं आ गई थी रेस्टोरेंट के, थोड़ा सा नाश्ता ही कर लेती हूँ। सो मेरे को मोमोज दिख गया था, मोमोज मेरा फेवरेट है और मैं इसे खाए बिना रह नहीं सकती थी, इसलिए मैंने हाफ प्लेट मोमोज ही खा लिया। उसके बाद क्या था, मैं श्यामा मंदिर आ गई। और आप लोगों को तो पता ही है कि मैं कंटिन्यू श्यामा मंदिर घूमते ही रहती हूँ क्योंकि कॉलेज ही बगल में है। उसके बाद मैंने मम्मी को भी आज यहीं पर बुला लिया क्योंकि मम्मी कभी घूम नहीं पाती है। और मैंने मम्मी को बहुत प्यार से प्रपोज किया, इतना प्यारा मुझे लगा मैं बता नहीं सकती। फाइनली ये लोग आ चुके थे, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी मम्मी को देख करके और अपने भाई को देख करके। इतना बड़ा नौटंकी बाज है कि मैं कब से इसे बुला रही थी, लेकिन यही सच सवरने में लेट कर रहा था। और मम्मी के साथ मैंने बहुत अच्छा और प्यारा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, काफ़ी हम लोगों ने मस्ती की और बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पे घूमे। और मम्मी का भी मन शांत हो गया कितने दिनों के बाद यहाँ पे जो एंजॉय किए हैं। उसके बाद क्या था, दोनों को लेकर के मैं जा रही थी रेस्टोरेंट के लिए और मैं पहुंच गई थी। और जो भी दरभंगा है सो यहाँ पे पॉल्स किचन में आकर के जरूर यहाँ का फूड ट्राई करें। जिन्होंने भी क्या होगा उन सबको पता होगा कि काफ़ी टेस्टी यहाँ का डिशेज रहता है। सो हमारा स्टार्टर आ चुका था, काफ़ी टेस्टी था सच में यार, बहुत ज़्यादा मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया यार। ये हमारा मेन कोर्स था क्योंकि हमें बिरयानी ही खाना था, मम्मी को बहुत दिन से खाना था, सो मैंने आज मम्मी को खिलाया। लेकिन मैंने बोला मम्मी को खाने के लिए, तो सबसे पहले मेरे को खिला रही थी। मुझे ये देख करके बहुत ज़्यादा प्यारा आया, मैं बता नहीं सकती, आई लव यू मम्मी। और उसके बाद क्या, आइसक्रीम के बाद हमारा यहीं पे एंड होता है। आज के लिए इतना ही गाइस, जैसा कि इसका नौटंकी आप लोग देख सकते हो। सो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और आई होप आप लोग भी अपने मम्मी के साथ बहुत मस्ती किए होंगे। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।